प्रिय विद्यार्थियों, आज का सेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। रिलेशंस देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो वाणिज्य देख रहे हैं आप लोग, कक्षा 12 कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, और 2024 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है उस पर आप लोग के समक्ष जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला का डिस्कशन किया जा रहा है। तो उन्हीं श्रृंखलाओं में देखिए, रिलेशंस आप लोग के साथ कई सारे प्रश्न कराए गए, उनको देख लीजिएगा। पूरा डीजे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, और 30-35 जितने भी वीडियो हैं डीजे से चैनल पर वाणिज्य वर्ग के, वो पूरा देख लीजिएगा एनसीईआरटी के बेस पर। और आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो पूरा का पूरा है, और निश्चित तौर पर आप लोगों को जो है लाभान्वित जरूर करेगा। चलिए, यहाँ पर उन्हीं उसी कड़ी में देखिए, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यय और बचत क्या है, व्यय और बचत क्या होता है, उनके गुण और दोषों को बताइए, और साथ ही साथ बचत का महत्व भी लिखिए। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान सुन लीजिए। बचत बच व्यय और बचत क्या है, उनके गुण दोष बताइए, बचत का महत्व भी बताना है। देखिए, रिलेशंस जो व्यय और बचत है, तो देखा जाए दूसरे को देखा जाए तो बहुत ही जरूरी भी चीज है, और अवधारणाएं जो है ये दोनों महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, और जो दोनों ही देखा जाए तो हमारे वित्तीय भलाई में देखा जाए तो बहुत ही मायने रखते हैं, चाहे व्यय की बात कर दिया जाए चाहे बचत की बात कर दिया जाए, वो दोनों ही जो है हमारे वित्तीय भलाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। आइए उनकी परिभाषा को समझते हैं, गुणों को समझते हैं, और गुणों को समझते हैं और बचत के महत्व पर भी देखते हैं। देखिए, व्यय से अगर हम लोग तात्पर्य समझने का प्रयास करें कि व्यय क्या होता है, तो हमारे दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं और जो इच्छाएं होती हैं, देखिए उनकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है, और पूर्ति के बदले जो होता है वस्तुओं और सेवाओं पर जो खर्च की गई धनराशि होती है, उसे ही हम लोग कहते हैं व्यय। जैसे कहा गया कि आप यहाँ आप कहीं पर भी हैं, ठीक है, आपको आप यात्रा के लिए गाड़ी वगैरह खरीदते हैं, बैठते हैं, आप बाइक लेकर जा रहे हैं, बाइक नहीं चलेगी बिना पेट्रोल के, आप पेन लेने जा रहे हैं, कॉपी लिखने के लिए चाहिए, पेन लेने के लिए चाहिए, मतलब पेन से लिखेंगे आप, तो कहने का मतलब जितनी भी व्यवस्थाएं हैं तो उनको उनके लिए आपको जो है जो भी वस्तु और सेवाएं आपको मिल रही हैं उसके लिए आप अमाउंट खर्च कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखा जाए तो कंटेंट भी देख रहे होंगे, तो यहाँ पर भी आप जो है नेट अपना खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सेवाएं के बदले जो हो गई वो कुछ ना कुछ खर्च की जाती है धनराशि। ठीक है, आप महीने का प्लानिंग करा लिए, महीने का नेट भरवा लिए, तो ऐसा देखिए होता है, तो उसे ही हम लोग व्यय कहते हैं, वो भी एक प्रकार का आपका खर्च है। ठीक है, ट्यूशंस देखिए, इसमें किराया शामिल होता है, किराने का सामान हो गया, उपयोगिताएं हो गई, रेगुलरली आप खा रहे हैं, बैठ पहन रहे हैं, उड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो ये सभी चीजें हो गई। देखिए, जो भी उपयोगिता की चीजें हो गई, मनोरंजन की चीजें हो गई, देखिए अन्य जो विवेकहीन खर्च भी इसमें शामिल होते हैं। विवेकहीन खर्च का मतलब है कहीं कहीं मतलब मनमानी भी होने लगता है चीजें, तो उसे उसकी बात हो रही है। दूसरी ओर देखा जाए ड्यूशंस, तो देखिए बचत जो होता है, बचत में हमारी आय का एक हिस्सा जो होता है भविष्य में उपयोग या आपात स्थिति से अलग रखना शामिल होता है। कहने का मतलब क्या है, आय का एक ऐसा हिस्सा जिसको भविष्य की व्यवस्थाओं के लिए, भविष्य की सुविधाओं के लिए जो है उसे अलग रख दिया जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम लोग कहते हैं आपका बचत। देखिए, विभिन्न बचत तरीकों से देखिए किया जाता है, जैसे बैंक में पैसा डालकर, स्टॉक या बॉन्ड में निवेश करके, या फिर सेवानिवृत्ति यानी पेंशन निधि में जो है योगदान करके, ऐसे हम लोग कार्यों को करते हैं। देखिए, व्यय के गुण क्या है, जो व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो खर्च के गुण क्या है। देखिए, पहला महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर जो व्यय के गुण होने चाहिए, देखिए आवश्यकताओं की पूर्ति, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हो गया भोजन, आश्रय और कपड़े। देखिए, भोजन की बात हो गई, आश्रय की बात हो गई, और साथ ही साथ कपड़े की बात हो गई, ये हमारी बुनियादी जरूरतें हैं, और इनको करने के लिए जो है आपको व्यय करना ही पड़ेगा, और ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, बहुत ही कंपल्सरी चीजें, महत्वपूर्ण चीजें हैं दैनिक जीवन के लिए देखा जाए तो बहुत ही कंपल्सरी है। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण करने हैं, आनंद की बात हो गई, ठीक है ना, आनंद की बात हो गई, जब भी अवकाश गतिविधियां मिलती हैं, ठीक है ना, और मनोरंजन पर खर्च करने से क्या होता है, हमारे जीवन की गुणवत्ता जो होती है वो बढ़ जाती है और खुशी आ जाती है। देखिए, गुणवत्ता बढ़ सकती है, भाई जाहिर सी बात है, मनोरंजन के लिए जैसे लोग कहते हैं कि जब छुट्टी मिला हम लोग को, जाड़े के समय में छुट्टी मिल जाता है, गर्मियों मिल जाता है, तो लोग शिमला जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, प्रभु परमेश्वर के पास, या किसी जगह आप लखनऊ की बात करें, बड़े बड़े जो मस्जिदें हैं वहां पर लोग जाते हैं, तो ऐसे तरह तरह के जो धर्म समुदाय वाले लोग हैं वो अपने इच्छा अनुसार जो होता है वो अपने भ्रमण को करते हैं, ठीक है ना, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज हो गया, यानी आनंद की बात हो गई, और जाहिर सी बात है उनसे चीजें जब वो जा रहे हैं तो उनसे बहुत सी चीजें सीखने को मिल रही हैं। ये तीसरा महत्वपूर्ण क्या होता है, व्यय से आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। देखिए, उपभोक्ता क्या करता है, जब भी व्यय करता है वस्तुओं और सेवाओं पर, तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो आर्थिक विकास को अपने आप क्या होगा, गति
मिलेगा। अब कोई घर के अंदर ही सभी लोग रहे, कोई मार्केट करने जाए ही ना, कोई खरीदे ही नहीं, तब तो वो लोग बेवकूफ बन जाएंगे, चुतिया बन जाएंगे वो लोग। भाई सामान ही कोई नहीं ले रहा है तो फिर बनाने का मतलब क्या है? तो इसलिए देखिए डिस्टेंस ये बहुत ही जरूरी होता है, यानी आर्थिक विकास के लिए जो है व्यय का होना भी बहुत ही जरूरी है। अब चलिए ये तो कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी बातें हो गई जो व्यय के गुणों के रूप में है। चलिए अब हम लोग कुछ इसके अवगुणों पर भी बात कर लेते हैं। तो खर्च जो हो गया या व्यय के अवगुण कौन है? देखिए पहला महत्वपूर्ण क्या है? अत्यधिक खर्च। देखिए अत्यधिक खर्च से क्या होता है? वित्तीय तनाव उत्पन्न होता है और कर्ज हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वित्तीय तनाव बढ़ता है और कर्ज में भी व्यक्ति जा सकता है, जिससे हमारी जो होती है दीर्घकालीन जो वित्तीय स्थिरता होती है वो प्रभावित होती है। जो लंबे समयों के लिए जो हमारे पास वित्तीय व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो जल्दी हमारे पास से क्या होती है? समाप्त हो जाती है। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण बात क्या हो जाएगा इसमें? आवेगपूर्ण खरीदारी। आवेगपूर्ण खरीदारी का मतलब क्या है डिस्टेंस? की आवेगपूर्ण खरीदारी के परिणाम स्वरूप जो होता है उन वस्तुओं पर व्यर्थ खर्च हो सकता है जो आवश्यक या मूल्यवान नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों का भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी होता है कि कभी भी आवेगपूर्ण खरीदारी मत कीजिए, ठीक है ना, जरूरत के हिसाब से। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण क्या है? बचत की कमी। भाई जाहिर सी बात है बचत पर जो होता है व्यय को प्राथमिकता देना हमें अप्रत्याशित खर्चों या आपात स्थिति के लिए तैयार नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी बचत जो होता है वो प्राथमिकता जो होता है वो व्यय को प्राथमिकता आप दे रहे हैं लेकिन बचत को प्राथमिकता देना भी जरूरी होता है कुछ मायनों में। देखिए बचत के अवगुण क्या है? अब तो ये बात हो गई व्यय के गुण अवगुण की बात हो गई, गुण क्या है, दोष क्या है, अब बचत के गुण की बात करते हैं। देखिए पहला जो हो गया बचत का, वित्तीय सुरक्षा मिलता है। भाई जाहिर सी बात है जब बचत करेंगे आप, सेविंग अकाउंट रखेंगे आप, तो वित्तीय सुरक्षा मिलेगी आपको। बचत जो होता है वो अप्रत्याशित खर्चों की बात रोकता है, नौकरी छूटने या चिकित्सा आपात स्थिति के लिए जो होता है वो सुरक्षा जाल प्रदान करता है जो एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए भविष्य की योजनाओं को भी तैयार करता है, जैसे पैसा बचाने से क्या होता है प्रमुख जो घटनाएं जीवन में होती है जैसे घर खरीदना, परिवार शुरू करना या सेवानिवृत्त होने की योजना बना सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कहा गया पेंशन व्यवस्थाएं हो गई जो, तो ऐसे तमाम जो कार्यों को है आप कर सकते हैं। देखिए तीसरा महत्वपूर्ण बात हो गया कि बचत के माध्यम से जो है आप किसी और चीजों में जो है कोई भी जो अमाउंट है जो धन जिसका आपने सेविंग किया हुआ है उसको आप निवेश के रूप में यूज कर सकते हैं, यानी निवेश के अवसर भी प्रदान करता है कौन? जो बचत होता है हमारा, यानी बचत का उपयोग जो होता है उन परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए किया जाता है जो रिटर्न उत्पन्न करती है और समय के साथ धन का निर्माण करती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात हो जाएगा बचत के। देखिए अवगुण के बारे में बात करें हम लोग, बचत के दोष के बारे में बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करें जब अवगुण के रूप में बात किया जाए, दोष के रूप में बात किया जाए, तो पहला देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें? अवसर लागत। देखिए अवसर लागत मतलब क्या हो गया? कम ब्याज दरें वाले जो बचत खातों में देखा जाए तो पैसा रखने से जो होता है उच्च रिटर्न के लिए जो होता है निवेश के अवसर चूक जाता है व्यक्ति। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो जो अमाउंट होता है उसे आप तुरंत निकाल नहीं सकते, कर नहीं सकते। ठीक है, दूसरा देखिए महत्वपूर्ण बात क्या हो जाएगा? मुद्रा स्फीति, यानी दर बचत पर क्या होता है अधिक अर्जित ब्याज से अधिक हो जाती है जो समय के साथ बचाए गए धन की क्रय शक्ति कम को क्या कर देता है? कमी कर देता है, यानी मुद्रा स्फीति भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भाई जाहिर सी बात है देखिए अब आप जब है मित व्ययी बन जाते हैं। देखिए आनंद की कमी, बहुत से व्यक्तियों देखेंगे कंजूसी टाइप में, यानी कंजूसों कंजूसी जैसा वो व्यवहार करते हैं, काम करते हैं, यानी उन अपने जीवन में उनके जीवन में आनंद नाम की चीज कोई नहीं बचती है। क्यों? क्योंकि वो जो है आवश्यकता से ज्यादा जो होता है वो बचत पर कार्य करने लगते हैं। ठीक है, तो बचत पर अधिक जोर देने से क्या होता है? मित व्ययिता, यानी कंजूसी जैसी जो है जीवन शैली उत्पन्न हो जाती है जो भविष्य की सुरक्षा के लिए वर्तमान आनंद का त्याग कर देती है, जो बहुत ज्यादा देखा जाए तो सही नहीं है। बचत के महत्व को देखा जाए तो बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। वित्तीय स्थिरता हासिल करने और दीर्घकालीन लक्ष्यों को पूरा करने की बात हो गई और धन निर्माण के लिए जो है पैसा बचाना जो है मुख्य रूप से बस यही हम लोग मान सकते हैं कि ये बचत की मुख्य अवधारणाएं हैं और बचत की आदत जो है विकसित करके हम खुद को वित्तीय असफलताओं से बचा सकते हैं, सुरक्षा की भावना जो है वो पैदा कर सकते हैं और अधिक समृद्ध भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं। यही देखिए मुख्य रूप से होता है, लेकिन क्या होता है कुछ मामलों में जो होता है ये वित्तीय स्थिरता को जब कर देते हैं व्यक्ति तो संतुलन बिगड़ जाता है, जैसे कहा जाए सोसाइटी में भी चीजें जो गड़बड़ होने लगती है सामाजिक तौर पर भी। निष्कर्षता देखा जाए तो देखिए दोनों जो है व्यय की बात करें चाहे हम लोग बचत की बात करें तो दोनों जो है इकोनॉमिकली जो है दोनों महत्वपूर्ण है। अगर व्यय जरूरी है तो बचत भी बहुत जरूरी है और व्यय के बेस पर ही बचत व्यय जो होता है और बचत दोनों का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहावत भी कहा गया कि जितना पैर रहे उतनी ही चादर पसारनी चाहिए, तो ये इसके बेस पर भी काम करता है। देखिए संतुलन बनाने का काम जो होता है इन दोनों बहुत महत्वपूर्ण होता है व्यय में बचत में।
वित्तीय कल्याण के लिए देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और इनका एक तरीके से ये कुंजी का काम करता है। और दोनों अवधारणाओं के देखिए गुण दोषों को समझ कर जो है और दोनों के महत्व को समझ कर जो है वित्तीय जो व्यवस्थाएं हैं उनको अपनी निर्धारित करना चाहिए और वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो है एक जो विशेष प्रकार का निर्णय है या जो सही निर्णय है उसका चुनाव करना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न जो था एडिशंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप पर आपके लिए निरंतर जो है मिलती रहेगी, लेकिन उसके लिए आप क्या है इसे रेगुलरली अपने चैनल से स्टडी करते रहिए। और देखिए आज तारीख जो है आप लोगों का क्या हो गया है 19 फरवरी हो गया है, 20, 21, 22 को आपको जो दोपहर वाले शिफ्ट में जाना है देने पेपर ये कॉमर्स का, तो उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहिए और जबरदस्त तरीके से अपना पेपर दीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।